तेरा मन स्वदेशी, तेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा ओवे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वात को संतुलित रखने का सिंपल प्रिंसिपल है आयुर्वेद में, शुद्ध तेल खाइए, वात हमेशा संतुलित रहे। प्योर ऑयल खाइए, शुद्ध तेल खाइए। आपके मन में सवाल आएगा, ये शुद्ध तेल क्या होता है? क्या हम जो तेल ला रहे हैं बाजार से, ये शुद्ध नहीं है? बाजार से आप जितने भी तेल डब्बे में लेके आते हैं, ये सब तेल में मिलावट है। क्या मिलावट है? बाजार के सभी तेलों में एक तेल मिलाकर बेचा जाता है और उस तेल का नाम है पामोलिन ऑयल। आप अगर मूंगफली का तेल खाते हैं, मान लीजिए उसमें पामोलिन ऑयल मिक्स है। आप सरसों का तेल लाते हैं, उसमें भी पामोलिन ऑयल मिक्स है। आप नारियल का तेल लाते हैं, खोपरे का तेल, उसमें भी पामोलिन मिक्स है। तिल का तेल लाएंगे, उसमें भी पामोलिन मिक्स है। भारत देश में जितने भी डब्बा बंद तेल आते हैं बाजार में, सभी में पामोलिन ऑयल मिक्स रहता है, सभी में। कारण पूछेंगे आप, कारण क्या है? भारत देश की सरकार ने कानून बनाया है कि सभी तेल में पामोलिन मिक्स करके बेचा जाए। ये कानून है हमारे देश। अब चूंकि कानून है तो सभी तेल में पामोलिन मिक्स करके बेचते हैं। आप पूछोगे ये कानून क्यों बनाया? सरकार के मंत्रियों से मैंने कई बार इस पर बहस की कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया, तो वो कहते हैं कि भारत में तेल का उत्पादन बहुत कम है और तेल की डिमांड बहुत ज्यादा है, मांग ज्यादा है, उत्पादन कम है। तो हम क्या करते हैं, विदेशों से तेल इंपोर्ट करते हैं और उसको मिक्स करके बेचते हैं ताकि सबको डिमांड पूरी कर सके। अब समस्या क्या आती है कि ये जो पामोलिन ऑयल मिक्स किया जाता है, ये कभी भी हमारी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता। पामोलिन ऑयल को डाइजेस्ट होने के लिए, पाचन होने के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए और बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, इसलिए पामोलिन ऑयल डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन नहीं होता। तो वो ब्लड में जाके डिपॉजिट होता है और जब पाम ऑयल ब्लड में डिपॉजिट होता है तो सैकड़ों बीमारियां आपको आती हैं जो बात से जुड़ी हुई। इसलिए बाजार का डब्बा बंद तेल मत खाइए। फिर क्या करें? आप ऐसा करिए, आपको जैसे शेंग तेल खाना है, शेंगा तेल, आप अपना शेंग दाना लेके जाइए, कोई तेल निकालने वाला जो मशीन है उसको दीजिए, वो तेल निकाल कर आपको देगा, वो तेल आप खाइए, वो शुद्ध तेल। आप तिल का तेल खाते हैं तो तिल लेके जाइए, मशीन में तेल निकलवा के अपनी आंखों के सामने लाइए, वो तेल खाइए। अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो सरसों लेके जाइए, उसका तेल निकलवाइए, उसको लेके आइए और वो खाइए। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है? पुणे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑयल निकालने का काम करते, जो पुराना शहर है ना पुणे का, सब जगह बहुत सारे ऐसे ऑयल मिल हैं, छोटी छोटी मशीनें लगा के लोग बैठे हैं। आप अपना शेंग दाना दीजिए, वो तेल निकाल के देंगे। आप अपना नारियल दीजिए, वो तेल निकाल के दे देंगे। तो वो तेल आपके लिए शुद्ध है। फिर आप बोलेंगे वो तेल में गाढ़ापन बहुत है, वो कंसेंट्रेटेड है। आप उससे डरिए मत, ये जो तेल का कंसेंट्रेशन होता है, गाढ़ापन होता है, ये उसका प्रोटीन कंटेंट है। और तेल में अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो तेल नहीं होगा। हमारे मन में डर क्या बैठा हुआ है, अरे तेल बहुत गाढ़ा है, बहुत कंसेंट्रेशन है उसमें, इसलिए वो खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, ये तेल का जो गाढ़ापन है ये कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है पामोलिन ऑयल से, शुद्ध तेल से नहीं बढ़ता। कर आप बाजार से कई बार रिफाइंड तेल लाते हैं, डबल रिफाइंड तेल लाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण है।
और जो वेजिटेबल ऑयल लाते हैं वो तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिसको आप डालडा कहते हैं, वनस्पति घी, उसको कभी मत खाइए, वनस्पति घी सबसे ज़्यादा खतरनाक।